नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे बिगनर्स भी आराम से बना सकते हैं। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसे बनाने के लिए 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा। तो चलिए हम डिज़ाइन बनाते हैं। ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और राइट साइड पहला फंदा सीधा बुन लें या स्लिप कर लें, अगला फंदा उल्टा, फिर 5 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, 5 पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। 1 फंदा उल्टा बुनना है, फिर 5 फंदा सीधा, इसी तरह बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेना है। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बना लिए जाएंगे। थर्ड रो और फ्रंट साइड पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और यहाँ पे हमने 1 उल्टा बुना था तो अब 2 उल्टा बुनेंगे, और यहाँ पे 5 सीधा बुना था तो अब 3 सीधा बुनेंगे, 3 फंदा सीधा और फिर 3 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, फिर 3 फंदा सीधा, 2, 3, 3 फंदा उल्टा। तीन फंदा सीधा और लास्ट में 2 फंदा उल्टा और आखिरी फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। फिफ्थ रो और फ्रंट साइड पहला फंदा एज स्टिच है, इसे स्लिप कर लेंगे और अब 3 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1, 2, 3 और 1 फंदा सीधा और फिर 5 फंदा उल्टा। पहली लाइन में हमने 1 फंदा उल्टा बुना था, फिर 3 फंदा और तीसरी लाइन में 5 फंदा, 2-2 फंदे बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पे 5 सीधा था तो अब 1 तीसरी लाइन में 1 सीधा रह गया, फिर 5 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा और लास्ट में 3 फंदा उल्टा आएगा और लास्ट फंदा एज स्टिच सीधा। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। सातवीं लाइन में हमारा पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाएगा। पहला फंदा एज स्टिच है, उसे स्किप कर लेंगे और फिर ये 3 जो सीधे उल्टे बुने हुए फंदे हैं उन्हें अब सीधा बुन लेंगे, 1, 2, 3 और 1 फंदा जो सीधा था अब उसे उल्टा बुन लेंगे और फिर पैटर्न वही रहेगा, 5 फंदा सीधा और 1 फंदा उल्टा, फिर 5 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा, यानी हमारा पहला लाइन और लास्ट में 3 फंदा सीधा आएगा और एज स्टिच इसे सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। नाइन्थ रो और फ्रंट साइड पहला फंदा एज स्टिच है, उसे स्लिप कर लेंगे, फिर 2 फंदा सीधा बुनेंगे और यहाँ 1 फंदा उल्टा था तो दोनों साइड वाले 1-1 फंदे ले लिए जाएंगे और 3 फंदा उल्टा, और यहाँ पे 3 फंदा सीधा रह गया, 3 फंदा सीधा और फिर यहाँ पे 1 उल्टा फंदा है तो दोनों साइड वाले 1-1 फंदे, यानी 3 फंदा उल्टा। तो अब पूरे सिलाई में 3 फंदा सीधा और 3 फंदा उल्टा का पैटर्न चलेगा। और लास्ट में 2 फंदा सीधा और एज स्टिच उसे सीधा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। 11th रो और फ्रंट साइड पहला फंदा एज स्टिच है, इसे स्लिप कर लेंगे, फिर फंदा सीधा और फिर 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, फिर 1 फंदा सीधा और 5 फंदे उल्टे,
इसी तरह एक फंदा सीधा और पांच फंदे उल्टे का पैटर्न पूरी सिलाई में चलेगा। सीधा और लास्ट फंदा एज स्टिच है ऐसे सीधा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। 13th रो से हमारा फिर पहला लाइन शुरू हो जाएगा, यानी पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, एक फंदा उल्टा और फिर पांच फंदा सीधा। फिर एक फंदा उल्टा और पांच फंदा सीधा। ये पांच फंदा जहां उल्टा था अब वो पांचों फंदा सीधा बुनने जाएगा। पांच फंदा सीधा और यहाँ पे एक फंदा सीधा बचा था तो अब ये एक फंदा उल्टा हो जाएगा। पांच फंदा उल्टा था तो यहाँ पांच फंदा सीधा। लास्ट में एक फंदा उल्टा और एज स्टिच सीधा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। देखिए फ्रेंड्स, यही डिज़ाइन मैंने यहाँ पे 10 फंदों में बनाया है, 10 के रिपीटेड फंदों में और 3 फंदा एक्स्ट्रा। ये 6 के रिपीटेड फंदों में है और 3 फंदा एक्स्ट्रा। ये 10 के रिपीटेड फंदों में है और 3 फंदा एक्स्ट्रा। तो डिज़ाइन सेम है, बस फंदों का फंदों की संख्या बढ़ गई है। देखिए सामने से ये ऐसा दिख रहा है और रॉन्ग साइड से ऐसा। डिज़ाइन बहुत ही आसान है और बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। आप इसे जेंट्स स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में, बच्चों के स्वेटर में, किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं, ये सब में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए। इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।